परिवार में किसी का निरादर न करना चाहिए। राजेंद्र कहे मदर और फादर से डरना चाहिए। कोई भी आए द्वारे प्रणाम सादर ही करना चाहिए। कोई भी आए द्वारे प्रणाम सादर ही करना चाहिए। दोस्तों, जब महाभारत की तैयारियां होने लगी, अर्जुन और दुर्योधन ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के लिए निमंत्रण दे दिया जाए। इधर देखिए, पुरी द्वारका में परे कृष्ण चंद्र करतार, कौरव पांडव कर उठे मन में इते विचार। अब हम नद लाल नो जावे और रन नो तो दे आवे। इतमें कृष्ण पलंग पे सो रहे, इतमें कृष्ण पलंग पे सो रहे। कृष्ण पलंग पे सो रहे, सपने महाभारत के हो रहे, अर्जुन अश्वन से मोह हो रहे। और सोच करें उनको यदुनंदन समझा रहे, उनको यदुनंदन समझा रहे। अर्जुन अधिक अधिक दुख पा रहे, डूबे शोक सिंध में जा रहे ना धीर धर। राधे इतमें चरण दबा रही, नाथ थके से काये हैं। रुक्मिन बोली नृप विराट की काल सभा से आए। की तपन दूर की मंजिल को मिलतन कुम लाए हैं। हारे थके भूल के सो रहे, रुक्मिन पंख डुलाए। यदि घन श्याम पर सो रहे, ना सुख बुध तन की सपने में बीच लख रहे, सपने के बीच लख रहे बेजर जो धन की। यदि सपने में नीच लख रहे बेजर जो धन की। यदि माधव को अधिक चिंता है अपने जन की, घट घट की बात जानत बे सबके मन की। समुदर सी से कहा दुको है, जग को बे न चाबे। और पल भर में पर लेकर डारत का उनके गुण गावे। यज्ञ